मैं एक प्रॉपर विलेज जगह पे आ चुका हूँ। वाव यार, आंदुलपुर यार रास्ता कौन दिया? तुम लोग तो अभी फेमस हो चुके हो। ना আমাকে চেনা চেনা লাগছে না, আমি নতুন। তো এসে বানতে রিল কিন্তু ভিডিও হয়ে গেছে অলরেডি, আমার ক্যামেরা অন ছিল শুরু থেকেই। একদম একদম পাক্কা, একদম পাক্কা। सो गाइज, आज का ब्लॉग का शुरुआत होता है ऐसी कुछ जगह से, और देख सकते हो गाइज यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है, मतलब कितना अच्छा है। और आज गाइज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही वायरल प्लेस पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल है ये वाला प्लेस। मैं कैसे कैसे जाता हूँ, आने के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस होता है वो पूरा देखने के लिए आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो यार, अरे शाबाश। आज का आसमान देख के ना, मतलब काफी खतरनाक लग रहा है आज का आसमान यार। मतलब आसमान का कलर देख के अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा बादल छाया हुआ है आसमान पे यार। मतलब कभी भी बारिश हो सकता है, और बारिश हुआ तो खत्म, टाटा बाय बाय, प्लान कैंसिल हो जाएगा फिर। आप लोग होप करो कि बारिश ना हो बस। गाइस अभी जस्ट आसमान देखो यार, और अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो आगे सामने का आसमान देखो, ठीक है, मतलब कैसा है अभी, ठीक है। और पीछे का आसमान देखो, पूरा काला बादल छाए हुए है। मतलब जहाँ पे बादल वाला एरिया था वो जगह हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे व्यूज देखो यार, कितना खूबसूरत व्यूज है यहाँ पे, वाव। और यहाँ पे क्या लिखा है, गो स्लो। अच्छा, मतलब मुझे स्लो चलाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। A few minutes later. ठीक है, स्लो चलाते हैं, और स्लो। यार ये कौन सा जगह है प्लीज से यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जो लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों को अगर पता है कौन सा वाला जगह ये, क्योंकि यार मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसी जगह पे राइड करते हुए। रास्ता जो इतना मक्खन है ना, और आसपास मतलब जो मतलब रोड पे जो बॉर्डर है, या फिर बोलते हो रोड साइन जो है, पूरा क्लियर है। लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं कोलकाता के रास्ते पे राइड कर रहा हूँ, मतलब इतना अंदर आ चुका हूँ थोड़ा विलेज विलेज टाइप जगह पे। और यहाँ पे भी रास्ता इतना साफ, इतना क्लीन, इतना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं है मैं अभी कहाँ पे हूँ। पहले कैमरा बंद कर दिया था, लेकिन जो रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसी वजह से मैंने कैमरा को ऑन कर दिया। देखो अब बस देखते रहो, और यहाँ पे रिएक्शन देखो बस। मैं एक प्रॉपर विलेज जगह पे आ चुका हूँ। भाई लोग बोल रहे, भाई लोग मोटिव लॉगिंग देखते हैं, बोल रहे कि राइडर। एक बार ये वाला जगह को देखो यार, यार यहाँ पे थोड़ा तो एटलीस्ट यार 2 मिनट के लिए रुकना तो बनता है यार। वाव यार, मतलब सच में यार दुनिया कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार। अगर हम लोग अपने घर से बाहर निकलते तो शायद हम लोगों को यार पता चलता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। तो चलो चलते हैं अभी, और 17 किलोमीटर है अभी, 17 किलोमीटर, और अभी बजाए 4। आई होप कि मैं 4:30 बजे के अंदर मैं पहुँच जाऊँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेन रास्ता जो है यहाँ से ख़त्म होता है, और इधर ही मतलब ये सामने ही है यहाँ पे बोशीरहाट कॉलेज, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे आना है तो सबसे पहले ये है लैंडमार्क। जो लोकल लोग हैं उन लोगों को मैं पूछा, तो वो लोग बताए कि ये जो रास्ता जा रहा है, जैसे ही आ रहा है पूरा सीधा सीधा, मुझे बिल्कुल वैसे ही रास्ते जाना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं आगे। आंदुलपुर यहाँ रास्ता कौन दिख, ও এইগুলো না না 5 কিলোমিটার বলছো স্ট্রেট।
moments later. Finally guys, मैं आ चुका हूँ वो जगह पे यार. और मैंने ये जगह इसके पहले Facebook में भी YouTube में भी बहुत बार देखा. एक होता है डिस्प्ले पे देखना और एक होता है सामने से देखना यार. तो सामने से देखने का एक्सपीरियंस अलग होता है. मतलब यहाँ पे आने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं यार. हम लोग जहाँ पे रहते हैं हम लोग सोचते हैं कि वही है असली ब्यूटी, मतलब वही अच्छा जगह है. लेकिन यार यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है ना कि ये है असली ब्यूटी. मतलब यही सबसे अच्छा सीज़न है मतलब यहाँ पे आने का. क्योंकि देखो विंटर में आओगे ना तो फिर पानी सूख जाएगा, मज़ा नहीं आएगा. समर को आओगे तो भी सेम है. अगर आप पूरा बारिश के मौसम में आओगे तो शायद बारिश की वजह से शायद आप इतना दूर तक आ नहीं पाओगे. तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम अभी है. अभी क्या होता है ना, बीच बीच में बारिश होता है. तो मतलब 3-4 दिन पहले बारिश हुआ था तो इसी वजह से ये जो बिल है, ये जो तालाब है, ये पूरा भरा पड़ा हुआ है. तो आपको नज़ारा भी मिलेगा. और अभी बारिश बहुत कम होता है, मतलब 2-1 दिन बाद बाद होता है. हर दिन तो बारिश नहीं होता, बरसात के मौसम में हर दिन बारिश होता है. अभी बारिश तो होगा लेकिन थोड़ा रुक रुक के होगा ना भाई. मैं जितना आगे जा रहा हूँ ना, नज़ारा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार. और ऐसा लग रहा है मतलब रास्ता जो है ना पूरा ख़त्म ही नहीं होगा. मतलब मैं चलता जा रहा हूँ और रास्ता जो है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके. और सबसे मेन चीज़, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो यहाँ पर क्यूरियस रिएक्शन मिल रहा है यार. मतलब सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं. मेन जो चीज़ है यार वो है कैमरा, मतलब जो भी अभी कैमरा है यार तो वो है. तो अच्छा लग रहा है यार. तो तगड़ा रिएक्शन भी मिल रहा है यार. मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, मतलब इसके पहले मैंने बहुत सारे जगह पे घूमा है, ठीक है, लेकिन इसके पहले मतलब कोई भी जगह इतना दिल को नहीं छुआ जो बेसिकली ये जगह मुझे छुआ है यार. इतना खूबसूरत है ना भाई. मतलब शायद आप लोग पता नहीं कैमरे में क्या देख रहे हो लेकिन सामने यार जन्नत है भाई. जानबूझ के सैटरडे को आया. संडे का टाइम बहुत भीड़ होता है, लाइक ये सब रास्ता है ना पूरा दोनों साइड पे यार बहुत सारे लोग भीड़ रहते हैं. तो जो नेचरिस्टिक मेन जो व्यू है तो वही नहीं दिखता. तो इसी वजह से यार सबसे बेस्ट है कि ऑफ डे पे आओ यार. क्या आप मंडे आओ या फिर किसी भी ऑफ डे पे आओ भाई. शायद यहाँ से रास्ता जो है ख़त्म होता है आई थिंक, हम मुझे पता नहीं अभी. यार बस आगे का नज़ारा देखो यार, आसमान देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है आज. कितना शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है. तुम लोग तो अभी फेमस हो चुके हो, अभी तुम लोग का ही जमाना है भाई. फ्लैशबैक. नज़ारा इतना खूबसूरत है ना यहाँ पे यार, मन कर रहा है कि यहाँ पे रुक जाऊँ. ची को एमनी ये आ पावटी आ पावटी दी दो तले. मेरे व्लॉग में आपको एक चीज़ हमेशा देखने को मिलता है, क्या है पता है, वो है रिएक्शंस. आगे देखो अभी तो मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सोचा कि चलो यार इन लोगों को थोड़ा बहुत खाना वाना खिला देते हैं. ये ले बेटा खा ले खा ले खा ले खा ले, ये ले ले ये ले खाएगा. ये सब खा ले रहे हैं. ये ले. और क्या, ये ले ये वाला भी खा ले.
चलो यार अभी निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा रील बनाते हैं यहाँ पे रुक के। यार आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो ही नहीं कर रहे हो, मैं डेली डेली रील अपलोड करता हूँ, डेली मेरा एक वीडियो अपलोड होता है यार, आप लोग फॉलो करो यार। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन पे है और अभी शायद स्क्रीन के नीचे भी आ रहा होगा, तो जल्दी से जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो यार। और अभी फिलहाल रील बनाने का टाइम है तो फिलहाल वही करते हैं। और कुछ रिएक्शंस मुझे चाहिए तो वो रिएक्शंस यहाँ से कैप्चर करना पड़ेगा अभी। यार ऐसे जगह पे भी छोटा छोटा दुकान है यार, अच्छा है। ভাই বলছি তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আমাকে রিল বানিয়ে দেবে? না আমার ফোনে রিল বানিয়ে দাও, আমি ইনস্টাগ্রামে আপলোড করবো, ওকে পাচ্ছি না তো। আরে রিল বানিয়ে দেবে, থ্যাংক ইউ। আমি কলকাতা, স্যামিকে চেনো? স্যামিকে মোটর ব্লগিং দেখো, স্যামি ব্যারাকপুরের, আমিও ব্যারাকপুরের, ওখান থেকে থাকি সব একসাথে। না আমাকে চেনা চেনা লাগছে না, আমি নতুন। তো এসে বানতে হয় রিল। এই যে আজকে যে যাচ্ছি, এই যে ব্লগ হচ্ছে, এটাও আমি আপলোড করবো বাড়িতে গিয়ে। সবাই সবার কিন্তু ভিডিও হয়ে গেছে অলরেডি, আমার ক্যামেরা অন ছিল শুরু থেকেই। বাড়ি গিয়ে দেখবে সবার মুখ। চলো আসলাম, হ্যাঁ ভালো লাগলো সবার সাথে পরিচয়। এখন অনেকটা দূর যেতে হবে বুঝলে তো, গিয়ে আবার এডিট করে আপলোড করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আবার এডিট করে আপলোড করতে হবে, যে সেটা ও সময় নষ্ট হবে ওতে। চলো ভাই আসলাম, হ্যাঁ একদম একদম পাক্কা, একদম পাক্কা। চ্যানেলে জানতে পারবে যখন নেবো, ঠিক জানতে পারবে। চলো এলাম। আপ কিসি ভি জগহ পে যাও ইয়ার, ম্যাটার নেই করতা কি আপ এক পপুলার ইউটিউবার হো ইয়া ফির এক বিগিনার ইউটিউবার হো, লেকিন ইয়ার লোক আপকো বহুত জ্যাদা প্যার, বহুত জ্যাদা ইজ্জত দেতে হ্যায় ভাই। ইয়ে চিজ মানে নোটিস কিয়া ভাই। अभी मैं फ़िलहाल आंदुल पोताई में ही हूँ और अभी यहाँ पे निकलते हैं। गाइज एक और बात है, मेरे कैमरे में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, पूरा लो बैटरी है, तो अगर बंद हो जाता है तो व्लॉग को यही पेंट करना पड़ेगा।